Nasalakaya Chakshur Vinditam Jena Tasmai Sri Gurave Nama Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Istadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tat Bhaktaya Namo Panchakalpatarvasya Kripa Sindhu Bhaivacha Patitananga Pavanebho Vrindaya Tulasi Dattaya Priyaya Kesavasya Krishna Bhakti Prada Devi Satyavataye Namo Nam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadhi Gaura Bhakta Vrinda Balahare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Ram, Balahari Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Vaise Guru Pad Padma ki Jai. Katakal hum log shravan kar rahe the. Yaad hai? Kya sun rahe the? हम लोग अतरल श्रवण कर रहे थे आचार्य किसको कहते हैं और उसको बाद 13वां नंबर उपदेश है कि ये सन्यासी किसको कहते हैं हम कहते हैं ना ये सन्यासी है हां ये साधु है कि ये सन्यासी साधु कहते हैं किसको उनका क्या लक्षण है कहते अनुक्षण हरि भजन नहीं प्रकृत सन्यासी कहते सन्यासी का मतलब होता है सम्यक रूप में परिपूर्ण रूप में जो ये माया को जो त्याग दिया है कहते वो सन्यासी हरे कृष्ण कहते वो घर में हो नहीं तो वो जंगल में हो नहीं तो वो मंदिर में हो कहते सन्यासी कहते हैं किसको कहते जो हर समय जो भगवान की भजन करते हैं भगवान की भक्ति करते हैं इसको कहते हैं सन्यासी इसलिए देखो भागवत में अगर कोई बोले जब कोई सब कुछ छोड़ छाड़ करके मंदिर में बाबा बन जाए कहते वही सन्यासी है कहते ऐसे नहीं घर में रहते हुए भी सन्यासी हम बन सकते हैं जैसे भागवत में जितने सारी कथा सुनते हैं ध्रुव चरित्र हम लोगों ने सुना प्रह्लाद महाराज की कथा है अम्बरीश महाराज की कथा है भरत महाराज की कथा कहते भरत महाराज की कथा है कहते वो गृहस्थ में रहते हुए भी सन्यासी हो सकते हैं लेकिन कब सन्यासी होंगे जब सम्यक रूप में परिपूर्ण रूप में जब ये माया की आसक्ति को जब हम छोड़ दें इसलिए सन्यासी के हाथ में देखना त्रिदंड रहता है दंड रहता है ना कहते दंड क्या है उसमें तीन चीज है कहते काय मन और वाक्य ये तीनों को द्वारा है जो भगवान की भक्ति करते हैं शरीर को द्वारा मन को द्वारा और वाक्य को द्वारा ये तीनों को द्वारा और ये तीनों को तो दंड दे करके भगवान की भजन में लगाते हैं वो सन्यासी है इसलिए जैसे श्रीवास पंडित को देखो महाप्रभु का भक्त श्रीवास पंडित लेकिन देखो वो घर में रहते हुए भी वो कितने समर्पित आत्मा है अद्वैत आचार्य का जीवन में देखो श्रीवास पंडित घर में महाप्रभु नृत्य कीर्तन कर रहे हैं महाप्रभु घर में नृत्य कीर्तन कर रहे हैं करते करते उनका बेटा शरीर छोड़ दिया तो घर के माता ही रोने लगी इतने में श्रीवास पंडित ने देखा आप घर में कुछ रोना धोना तो वो कीर्तन करते समय कीर्तन को प्रणाम करते हुए गए देखने के लिए जब देखने के लिए गए देखे पूरा परिवार जो लोग बैठ करके रो रहे हैं बोले भैया रो रहे हैं क्यों बोले इसलिए रो रहे हैं तुम्हारी एक बेटा था एक लौता बेटा था उसने शरीर छोड़ दिया बोले शरीर छोड़ दिया तो तुम क्यों रो रहे हो कि तुम क्यों रो रहे हो ये बेटा दिया किसने बोले ठाकुर ने दिया बोले लिया किसने बोले ठाकुर ने दिया बोले ठाकुर ने दिया और ठाकुर ने लिया फिर तुम बीच में क्यों रो रहे हो फिर तुम बीच में
फिर बीच में क्यों रो रहे हो? दिया ठाकुर और लिया ठाकुर दिए है, देखो कितने ही बेटा कितना सौभाग्यवान, जहाँ पर स्वयं ठाकुर जी कीर्तन नृत्य कीर्तन कर रहे हैं और भगवान की कीर्तन नृत्य करते समय कीर्तन सुनते सुनते उसने शरीर त्याग दिया। एक दिन तो शरीर छोड़ना ही है, लेकिन ठाकुर का कीर्तन और साक्षात ठाकुर जहाँ पर है रहते रहते अगर शरीर छोड़ा, मैं तो चाहता हूँ मेरा ऐसे भी अंतिम समय भी ऐसे ही बीते जहाँ पर भगवान हो और ठाकुर का कीर्तन सुनते सुनते हमारी शरीर छूट जाए, कितने सौभाग्यवान है। हैं देखो इनकी रोना तुम्हारी रोना धोना सुन करके महाप्रभु जो कीर्तन कर रहे हैं, अगर इनका कीर्तन रस में कोई भंग हो गया ना, हैं अगर कीर्तन बंद हो गया फिर तो बेटा तुम्हारी गया, मैं भी गला में कलसी बांध करके रस्सी बांध करके गंगा में डूब जाऊंगा, इसलिए खबरदार रोना धोना नहीं, चुप रहो। हैं तब उन्होंने आ करके महाप्रभु पहले जितने उत्साह पूर्वक कीर्तन कर रहे थे अभी और ज्यादा उत्साहित होकर के कीर्तन करने लगे, लेकिन महाप्रभु तो सर्वज्ञ थे, हम सब जानते घट घटवासी, बोले आज श्रीवास पंडित के घर में आनंद नहीं आ रहा, लगता है इनके घर में कुछ अनहोनी हो गई। इतना सुनते ही श्रीवास पंडित को छलांग लगा दी, छलांग लगा करके खड़े होकर बोले प्रभु आप साक्षात वैकुंठ नाथ है, आप साक्षात गोलोक बिहारी, जिनके घर में है इनके घर में कभी अमंगल हो सकता है? इनके घर में कभी अमंगल हो सकता है जहाँ आप साक्षात रूप में हो? लेकिन वहां पर श्री नित्यानंद अद्वैत आचार्य ने कहा प्रभु आज इनके घर में जो एक लौता संतान था उनका एक बेटा उसने शरीर छोड़ दिया, महाप्रभु को सुन करके महाप्रभु का आंखों से आंसू आ गया, बोले देखो ये कितने समर्पित आत्मा है, एक ही बेटा शरीर छोड़ दिया है, लेकिन शरीर छोड़ने पर भी वो दुखी नहीं, प्रसन्न होकर के नृत्य कीर्तन कर रहा है। महाप्रभु ने कहा ऐसे जो मेरे भक्त हैं ऐसे संघ को मैं फिर कैसे त्याग दे सकता हूँ, ऐसे संघ को मैं कैसे मैं त्याग दे सकता हूँ? ये लगे देखो ये घर में है, ये घर में है, लेकिन रहते हुए भी भगवान की चरण में कितने समर्पित आत्मा है, कितने समर्पित आत्मा है, संसार में रहते हुए भी कितने अनासक्त सर, संसार का प्रति कितने ये अनासक्त है, इसको कहते सन्यासी है, भले घर में रहे भले मंदिर में रहे है, लेकिन जब ऐसे भावना आ जाए ना जगत में जो कुछ हो रहा है कृष्ण की इच्छा से ही होता है, हम कहते हैं ना उनकी इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं मिलता है, इसलिए अगर सन्यासी हुए है अनुक्षण हरि भजन ही प्रकृत सन्यासी, जो जहाँ रहते हैं रहते हुए अगर हर समय भगवान की अगर जो भक्ति करते हैं वास्तव रूप में वही सन्यासी है, कि भगवत भक्तेर सन्यास की मुक्ति और मुक्ति सहित भक्तगण भोग कामना और मुक्ति कामना सहित सन्यास करिया भक्ति देवी चरणा सहय करे, भक्तगण भोग कामना और मुक्ति कामना सहित सन्यास करिया भक्ति देवी चरणा सहय करे, इसलिए कहते जो भक्त लोग हैं कहते भोग भी नहीं करते हैं, कहते ये लोग त्याग भी नहीं करते, हर चीज को क्या समझते हैं, हर चीज कृष्ण की सेवा की विषय है, हम जो कुछ चीज देख रहे हैं ये सब के सब भगवान की भोग की विषय है, सन्यासी मतलब होता है संपूर्ण रूप में माया को त्याग करना, अगर कोई मंदिर में आकर के बोले भैया सब तो माया में है, ये संसार माया में है ना, दुनिया तो माया में है, अगर कोई सोचे भैया ये ठाकुर को जो प्रसाद है अभी माया है, भगवान की जो भक्ति अभी माया है, इस मंदिर का हर वस्तु माया में है नहीं, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जो हर चीज को भगवान की सेवा में लगा देनी चाहिए, ये दुनिया किसने बनाया, भगवान ने बनाया, दुनिया ठाकुर जी का है ना, जब दुनिया भगवान की बनाया इसलिए
जब हर वस्तु ठाकुर जी की सेवा में लग जाए समझना, तभी वो वस्तु का सार्थकता है। अगर ठाकुर को सेवा में अगर नहीं लगेगा तो सबके सब बेकार है। इसलिए कोई कहते हैं ना, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, लेकिन श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते नहीं, कोई चीज को छोड़ने का जरूरत नहीं, हर चीज को भगवान की भक्ति में जोड़ दो, भगवान की भक्ति में जोड़ दो। कोई बोलते काम छोड़ो, काम छोड़ो, है, लेकिन काम किसने दिया था? इतना काम किसने दिया? ठाकुर ने दिया, जो कुछ दिया ठाकुर ने दिया था, है ना। इसलिए जब ठाकुर ने हर वस्तु को दिया, फिर इसको छोड़ेंगे क्यों? इसको छोड़ने का जरूरत नहीं, क्या करो, इसको भगवान की भक्ति में जोड़ दो, भगवान की भक्ति में छोड़ने का जरूरत नहीं। बोले काम कैसे जोड़े? बोले जैसे गोपिया, गोपियों ने कृष्ण को प्रेम किया है ना, अगर हमारे अंदर में काम नहीं रहेगा तो, हाँ इच्छा नहीं रहेगा तो जैसे फिर भगवान की भक्ति में कैसे जोड़ेंगे? कैसे गोपियों के अंदर में काम था, तभी कृष्ण को उन्होंने पति रूप में प्रार्थना किया है। कहते लोभ को, बोले लोभ को कहाँ पर जोड़े? बोले लोभ को भगवान के भक्तों का संग में हरि कथा। जैसे देखो आम लोग कथा सुनने के लिए आए, आर्थ दर्शन करने के लिए आए, बोले किस लिए? बोले लोभ है, लोभ है तभी तक यहाँ पर आए, लोभ नहीं होता तो आते ही नहीं। लेकिन लोभ को क्या करो? बोले साधु संग में हरि कथा में ये लोभ को जोड़ दो। बोले मोह, कहते मोह माया की बंधन है, कहते मोह को कहाँ पर जोड़ो? बोले हर समय भगवान की गुण कीर्तन में लगा दो, मोह को हर समय भगवान की गुण कीर्तन में लगा दो, काम क्रोध लोभ मोह, हाँ कहते और मद और मात्सर्य, कहते जो मात्सर्य है ये चीज को कहीं नहीं लगाया। मात्सर्य समझते हो? ईर्ष्या, किसी को किसकी किसकी महिमा को सुन करके हमारे हृदय में जो ईर्ष्या होता है, कभी ये गद्दी चीज, इस चीज को कहीं नहीं लगाया गया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवान ने जो कुछ दिया है ये भगवान की विषय वस्तु है, इसको क्या करो? भगवान की भक्ति में, भगवान की भजन में लगा दो। इसलिए जब भगवान की भक्ति में हर चीज लग जाएगा, देखो जैसे ये मंदिर है तो कितना सुंदर लाइट लगाया, कितने सुंदर लाइट लगाया, कितने सुंदर मंदिर को सजाया, और सुंदर सुंदर मंदिर को सजाया ना, सजाया ना। लेकिन यही चीज जब भगवान की सेवा में लग गया, ये लाइट जब ठाकुर की सेवा में लग गया, तब इसका सार्थकता होगी। इसलिए प्रभुपाद के समय पर प्रभुपाद क्या करते थे, बहुत बड़े बड़े एग्जीबिशन करते थे प्रभुपाद। एक समय उन्होंने एग्जीबिशन में दिखाया कैसे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को आग में फेंक दिया, और उन्होंने इलेक्ट्रिक तरह प्रहलाद को बीच में बैठा हुआ, और इतने उसमें इलेक्ट्रिक लाइट उसमें व्यवहार किया, जल रहा है और प्रहलाद महाराज उसको बीच में बैठे हैं, और बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम किसने प्रभुपाद को बोला? प्रभुपाद जी अगर इतने जो यहाँ इलेक्ट्रिक यहाँ पर जो बर्बाद कर रहे हो, अगर ये किसी दूसरे काम में लगता तो जन कल्याण, आप इतना इलेक्ट्रिक को यहाँ पर क्यों बर्बाद कर रहे हैं? और वो मंदिर के ऊपर में बाग बाजार गौरी मंदिर के ऊपर में एक बहुत बड़ी लाइट जलती थी, वो बड़ी दूर तक उसका फोकस जाता था। बस अभी ये मंदिर के ऊपर में भी इतना बड़ा लाइट लगा दिया, अगर यह चीज अगर और किस चीज में लगता उसका कितना सदुपयोग होता है। तो प्रभुपाद देखो ये विश्व ब्रह्मांड में जितने वस्तु है, हैं सब कृष्ण सेवा की विषय है। जब सारा दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी सारा दुनिया में जो चीज है, अगर ऐसे अगर जब भगवत सेवा में लग जाए समझना, वो चीज की सार्थकता है, हैं तभी ये चीज का सार्थकता है। क्यों? दुनिया ठाकुर जी का है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं?
ठाकुर जी का जो सेवा की वस्तु को लूट पाट के सब कुछ खा रहे, लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, बढ़िया से बढ़िया मंदिर बना, बढ़िया से बढ़िया ठाकुर को भोग में लगा, बढ़िया से बढ़िया चीज ला करके ठाकुर जी के मंदिर को सजाओ, तभी हर चीज की सार्थकता है, जब हर चीज भगवान की सेवा में लग जाएगी। अगर ठाकुर को कोई चीज सेवा में नहीं लगे तो कहते वो चीज बेकार है, वो चीज बेकार है। मतलब एक समय प्रभुपाद का समय में एक महाराज थे जिनका नाम था भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज। भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज अभी ब्रजमंडल परिक्रमा होगा, 400-500 लोग आएंगे ब्रजमंडल परिक्रमा करने के लिए। प्रभुपाद ने उनको कह दिया, बोले जाओ तुम जा करके 400-500 लोग आएंगे, खाने पीने का रहने का व्यवस्था करो। फिर एक भी पैसा नहीं, उनको एक भी पैसा नहीं दिया, बोले उसका तुमको व्यवस्था करना है। अभी वो बड़े अच्छे लिखे पड़े थे, वो महाराज जी बड़े अच्छे लिखे पड़े थे उस समय में। अब लोग मथुरा में गए हो, कौन को मथुरा में गए, मथुरा को नहीं गए, मथुरा में वहां पर एक होली गए थे जहाँ पर बड़े बड़े बिजनेस मैन रहते हैं और बड़ी बड़ी दुकान, जहाँ पर बड़ी बड़ी दुकान है, और वहां पर आए तो आखिर को उन्होंने क्या किया, जब गुरु जी की सेवा के लिए किया, प्रभुपाद जी की सेवा की, उन्होंने वो साधु वेश को त्याग दिया और टाई पहन करके, और जैसे जज होते हैं ना बस जो इनकम टैक्स जो ऑफिसर होते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर का रूप उन्होंने धारण कर लिया, जो अच्छे लिखे पढ़े थे, धारण करते हुए इन्होंने एक कापी ले लिया, रजिस्टर ले लिया के पहुंच गए, जो बड़े बड़े बिजनेस मैन जो दुकान है सब पहुंच गए, और पहुंच करके उन्होंने क्या परिचय दिया, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर आया हूँ, पहले तुम लोग क्या क्या इनकम है और तुम लोग को टैक्स भरते कि नहीं, मैंने काफी दिखा सरकार को कुछ दिया नहीं दिया कुछ नहीं करते थे, लेकिन ये अच्छे लिखे पढ़े थे, और वो बड़े लंबे चौड़े थे, उसको देखा वो बड़े लंबे चौड़े देखने में, अभी कोई कोई इनकम टैक्स खोल नहीं सकते थे, साधारण रूप में लिखकर रखते थे, पहले तुमको फाइन लगेगा, हाँ मैं इनकम टैक्स का ऑफिसर हूँ। अभी जो खबर है ना, सारे दुकान में चला गया, इनकम टैक्स का ऑफिसर आ गया, सबको क्या इनकम और क्या सरकार को भरते हो नहीं भरते हो, और कोई जो भरते नहीं भरे है, कोई भरते नहीं थे, एकदम हल्ला हो गया, और जितने सब लोग वहां पर इकट्ठे हो गए, सारे को सारे इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होकर के है, जब सारे को सारे लोग एकत्र हो गए ना और इनकी चरण में गिर करके माफी मांगने लग गए, बोले हमें कोई फाइन मत लगाओ, हमें अपना जितना पैसा चाहते हैं सारे पैसा देने के लिए तैयार, लेकिन कोई फाइन मत लगा। जब सबके सब लोग एकत्र हो गए ना, फिर उन्होंने सबको हरिकथा बोलना शुरू कर दिया, तब बोले देखो मैं कोई इनकम टैक्स का कोई ऑफिसर नहीं हूँ, मैं एक संत हूँ, मेरे गुरुदेव ने यहाँ पर हम भेजा है, यहाँ पर ब्रजमंडल परिक्रमा होगा, 400-500 भक्त लोग आएंगे, एक महीना तक यहाँ पर ब्रजमंडल परिक्रमा होगी, गुरुदेव ने कहा कुछ भिक्षा करके ऐसे व्यवस्था करो जैसे परिक्रमा हो जाए। जब बोले ना, और मथुरा के लोग तो स्वाभाविक रूप में कृष्ण के प्रति भक्ति है, हाँ वो तो सब डर गए थे, जब उन्होंने ये बात सुनाई और उन्होंने भगवान की भक्ति की कथा सुनाई, ये जीवन कितना दुर्लभ है और भगवान सारा दुनिया भगवान ने बनाया, जब उनकी सेवा में हर चीज लग जाएगी तभी हमारी सार्थकता है। फिर उन्होंने सुदामा जी की कथा सुनाई, कैसे सुदामा जी दो मुठी चुनवा ठाकुर को दिया तो ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य ठाकुर जी दे दिया। जब उनको कथा सुनाना शुरू किया ना कि दुनिया ठाकुर जी की, हर चीज जब ठाकुर जी की सेवा में लगेगा तभी सार्थकता, जितने बड़े बड़े बिजनेस मैन थे उन लोगों ने बोले आप संत हो, बोले हम संत हैं, बोले महाराज कोई चिंता मत करो, हम सबके सब उनकी परिक्रमा की एक महीना की जो खाने पीना रहने का व्यवस्था सब हम सबके सब करते हैं। उन्होंने
उन्होंने एक घंटा कर देगा, एक महीना की 405 लोग का खाने पीने का व्यवस्था उन्होंने एक घंटा मंदिर में व्यवस्था कर दिया। एक घंटा मंदिर में व्यवस्था कर दिया। किसी ने कहा इतना बोली हम चावल देंगे, किसी ने कहा इतना बोली हम है हम दाल देंगे, किसी ने कहा इतना पीपा हम घी देंगे, कोई बोले तेल देंगे, बोले कोई सब्जी देंगे, बस एक महीना की परिक्रमा कर दिया। इसलिए यहाँ पर कहते थे गुरुदेव, कहते थे जब हर चीज को हम ठाकुर जी के सेवा में लगा देंगे ना, बस सार्थकता हो जाए, तभी सार्थकता। सन्यासी उसको कहते हैं, सन्यासी उसको ही कहते हैं काय मन और वाक्य के द्वारा जो संपूर्ण रूप से भगवत सेवा में जो समर्पित व्यक्ति है वही असली सन्यासी है, वही असली, वही व्यक्ति असली सन्यासी उसको कहते हैं। हर समय संपूर्ण इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगानी चाहिए, भले ही वो गृहस्थ में हो, भले ही वो मंदिर में हो, कहीं भी हो, जो जितना परिमाण में काय मन और वाक्य को भगवत सेवा में लगाता है वही व्यक्ति असली सन्यासी है। यहाँ पर कहते हैं जो साधु का क्या काम है, हैं साधु क्या करते हैं, लेकिन देखना साधारण लोग साधु मतलब क्या समझते हैं। एक जगह में बैठा रहेगा, शरीर में राग मला हुआ होगा, नंगा होगा, शरीर में कोई कपड़ा नहीं पहना होगा, नहीं तो जटा झुक होगा। हमारे भारत में, हमारे भारत में साधु किसको कहते हैं, उसको अगर देख लिया ना बाबा रे क्या खाता है, केवल फल ही खाता है और कुछ खाता ही नहीं, केवल फलाहारी बाबा है, केवल फलाहारी बाबा नंगे रहते हैं, शरीर में राग जटा जुटधारी और शमशान में बैठे हुए रहते हैं। कहते ये साधारण लोगों का जो धारणा है ना, कहते साधु इसको ही साधु कहते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी ने प्रश्न किया प्रभुपाद को, बोले प्रभुपाद साधु कौन है, कहते साधु का क्या काम है, कहते साधु का ये काम है 36 घंटा में 36 घंटा जो भगवान की सेवा भक्ति भजन में जो रहता है, कहते ये साधु है, हाँ इसको इसको वास्तव रूप में साधु इसी को ही कहते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, कहते मत कथा मत गता चिंता बोधयन्ते परस्परम कथयन्ति च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। कृष्ण साधु का लक्षण, भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं, कृष्ण क्या कहते साधु का क्या लक्षण है, बोले मत कथा, अगर जब कोई कुछ बात बोले ना वो मेरी बात छोड़ करके और कोई बात कभी बोलते नहीं। मत कथा चिंता, हर समय किसका चिंतन करते हैं, कहते मेरे को छोड़ करके और कोई चीज चिंता ही नहीं करते, और करते हैं क्या, उनकी जो हर क्रिया है कैसे ठाकुर जी को प्रसन्न करे, भगवान को कैसे प्रसन्न करे। इसलिए 26 घंटा में 26 घंटा जो भगवान की कथा कीर्तन भजन उसी में ही जो डूबे रहते हैं उसको उसको ही साधु कहते हैं, हैं? इसलिए सारी इंद्रियों को जो कृष्ण सेवा में लगाते हैं। एक रूप जीवंत साधु है संग बोले तार काचे हरि कथा सुन ले भगवान विश्वास निश्चय हावे एवं सेवा प्रवृत्त जागवे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भैया हम किसकी संग करनी चाहिए, हम ऐसे साधु का संग करो जो हर समय भगवान की सेवा भजन भक्ति में जो हर समय डूबा हुआ हो। अगर ऐसे व्यक्ति का संग करेंगे तो वो फिर हमें क्या कहेंगे, हमें भी हर समय भगवान की सेवा में भजन में हमें भी भक्ति में लगा देंगे। लेकिन साधारण लोगों का जो धारणा है, साधु लोग कुछ नहीं करते, साधु लोग कुछ नहीं करते हैं। एक समय प्रभुपाद का समय पर, प्रभुपाद का समय एक जगह में प्रभुपाद प्रचार में गए, जब प्रचार में गए प्रभुपाद प्रचार में जाने से पहले क्या होता था, सब जगह में प्रचार करते थे एक साधु आ रहा है, हैं यहाँ पर सत्संग होने वाला है, साधु आ रहा है, बहुत बड़े साधु आएगा, चारों तरफ में प्रचार किया और सब लोग आओ सत्संग में। कहते एक बाबा सुनकर वो भी आए और जिनकी है बाबा भी सुनकर कहे साधु आ रहे, लेकिन वहां पर प्रभुपाद गए थे, तो प्रभुपाद गए थे उस समय प्रभुपाद बहुत अच्छे कपड़े पहन करके कोट कोट पहने हुए थे, प्रभुपाद पगड़ी बांधे थे, कोट पहने थे
और बहुत अच्छे तरह से गए थे। जब गए थे तब प्रभुपाद बैठे हुए थे, तब वो जाकर कहते तो भैया साधु कहाँ है, कहते ये साधु बने यही तो साधु है। बोले ये क्या साधु है, हम तो सोच रहा था जटा जुट होंगे और नंगे होंगे, शरीर में राख मले हुए होंगे, हैं ये तो साधु होंगे, ये क्या तो कूट कूट पहन करके ये तो बैठे, ये कैसे साधु है, हैं ये कैसे साधु है। तब तब उन्होंने प्रभुपाद बताया, बोले देखो साधुओं को आंखों से मत देखा, साधुओं को आंखों से मत देखो, किससे देखो तो उनको कानों से देखो, कान से देखो, उनको आंखों से मत देखा करो, ये आंख हमें धोखा दे सकती है, कान से भी धोखा नहीं देगी। मतलब उनकी विचार को सुनो, साधु की विचार को सुनो, वो क्या बोलते हैं ये चीज को सुनो, हैं कभी ये चीज को सुनो। इसलिए जब प्रभुपाद ने वहां पर जब उन्हें हरि कथा बोली, ये जीवन कितना दुर्लभ है और इस जीवन पाकर हमें कैसे भगवान की भक्ति कैसे भजन करनी चाहिए, जब उन्होंने उनके विचार को सुने है ना, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो साधु है, हैं जो साधु जिसको कहते हैं, साधारण लोग का यही भावना है जब चुपचाप बैठा हुआ कुछ नहीं कर रहे हैं, आंख बंद करके बैठे हैं, हैं जटाजुट राख मल करके सामने धूप धूप जलाते हैं, सामने धोनी 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 जलाते हैं, जो वहां बैठा हुआ बड़े साधु, साधारण लोगों का विचार यही साधु। लेकिन हमारे कृष्ण गीता में भागवत में ये साधु का लक्षण नहीं बताया, भगवान कपिलदेव साधु का क्या लक्षण कहते हैं, बोले मई अनन्य भावे न, भगवान कहते हैं वही मई अनन्य भावे न भक्ति कुर्बंतीणा। साधु का क्या लक्षण है, जो केवल मेरी अनन्य रूप में जो केवल मेरी उपासना करता है, हैं कहते वो साधु है, हैं साधु का लक्षण भगवान स्वयं कहते हैं, हैं तितिक्षा वतारुई कसुनीद सर्पदेहिना अजात सत्र वसाता साधु भी साधु कुसुम। अपना माँ को भगवान साधु का लक्षण कहते हैं, माँ जो साधु है ना, तितिक्षा तितिक्षा मतलब होता है बड़े सहन शक्ति रहता है, बड़े दयालु होते हैं, हैं इसलिए सबका अंदर में भगवान को दर्शन करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम सबको अपना एक परिवार मानते हैं, जो अनन्य रूप में मेरी जो भक्ति करते हैं वो साधु है, वो साधु है। इसलिए जैसे देखो एक समय किसने प्रभुपाद को बोले, उन्होंने सुंदर मंदिर बनाया था मायापुर में, जब आए बोले प्रभुपाद जी इतना सुंदर मंदिर क्यों बनाया, और वहां पर चेयर लगा हुआ था और बड़े सुंदर जैसे यहाँ कार्पेट बिछाया हुआ, कार्पेट बिछाया हुआ था। किसी ने कहा प्रभुपाद ये सब क्या था, हमने सुना साधु पेड़ को नीचे रहते, साधु लोग कहा रहते हैं तो सब उसको पेड़ को नीचे सबके सब रहते, आप इतने सुंदर मंदिर बनाया है और इतने सुंदर कार्पेट चेयर बिछवाया, ये क्या कर रहे हैं। प्रभुपाद क्या कहते हैं, प्रभुपाद कह रहे ये मेरे लिए नहीं, मैं ये तुम लोगों के लिए, मैं एक पेड़ के नीचे बैठ रह सकता हूँ, लेकिन अगर मैं पेड़ के नीचे रहता फिर तुम लोग यहाँ आकर कथा सुनते रहता, अगर मैं चुपचाप रहता तुम लोग यहाँ पर आकर कथा सुनते, भगवान की भजन करते, मैं इसलिए सब चीज में इसलिए बनाया ये केवल तुम लोगों के लिए हमने बनाया है, जैसे तुम लोगों को भक्ति की सुविधा मिले। अगर पेड़ को नीचे अगर इसी समय कोई बैठा हुआ आप चाहते हैं वहां पर एक सुंदर मंदिर बना, तभी आ रहे हो कथा सुन रहे हो, ठाकुर जी का आरती कर रहे हो, ठाकुर जी की सत्संग हो रही हो, इतना सुंदर बना तभी तो आ करके बैठे हो, नहीं तो आप थोड़े आकर बैठे यहाँ पर नहीं बैठते हैं, नहीं बैठते जैसे तिलक गला भी कंठी माला और इतना लोग बड़ौत में प्याज लहसुन छोड़ करके शराब छोड़ करके गुटखा छोड़ करके है ये सब चीज को छोड़ करके हरिनाम करके घर घर में जो ठाकुर का सेवा पूजा भक्ति कर रहे हो, संत लोग को आकर के भगवान की कथा बोले प्रचार किए तभी तो इतने लोग जुड़े हैं ना। अगर कोई धूल जला करके पेड़ के नीचे बैठा रहता जीव का कल्याण होता है क्या, बताओ जीव का कल्याण होता कुछ होता है। इसलिए मेरे को एक व्यक्ति बोल रहा था बड़ोदर में, बोले बाबा
आप तो आकर के बड़ौत का रंग बदला दिया। हम बोले क्यों? बोले आप नहीं आते है ना, लोग सब शराब है, शराब गुटखा बीड़ी सिगरेट उल्टा पुल्टा चीज में सब लोग चले जाते हैं, लेकिन आप आए इसलिए यहाँ के शराब बंद हो गया है। शराब पीना लोग धीरे धीरे बंद कर दिए, घर घर में भगवान का कीर्तन भजन पूजा पाठ होना शुरू हो गया, जैसे भागवत कथा हो रही थी। कथा हो रही है, कितना सुंदर कैंडल बनाई है और इतना सुंदर सजावट किया है। प्रेमचंद प्रभु अपना जगह से तभी तो जाने कि इतना लोग आ रहे, कथा सुन रहे हैं, बैठी करके हरी नाम कर रहे हैं और इतना धूमधाम। अगर नहीं होते, अगर कोई साधु चुपचाप आंख बंद करके पेड़ को नीचे रहता, जीव का कल्याण होता नहीं होता। इसलिए ये बात को प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। देखो प्रहलाद महाराज का क्या उपनी, बोले प्रायण देव मुक्त सभी मुक्त कामना मौन चरार्थ परार्थ काम। ये प्रहलाद महाराज कहे, कहते मैं तो मेरे गुरुजी जो नारद है, मैं अपना गुरुजी नारद जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। बोले क्यों? अगर नारद अगर नहीं होते, मेरी मैया को अगर कथा नहीं सुनाते, मैया के पेट में रहकर की कथा नहीं सुनता, आज मैं एक राक्षस कुल में मेरा जन्म है। प्रहलाद राक्षस कुल में हिरण्यकश्यप का बेटा है। नारद जैसे साधु आकर के कथा सुनाए, तभी तो मैं भगवान की भजन में आया हूँ। अगर नारद अगर कथा नहीं सुनाते, मैं जो राक्षस कुल में जो जन्म लिया, फिर मेरा कभी कल्याण होता क्या? इसलिए जो लोग मौन चरण की परार्थ कामी, जो मौन बन करके मौन बन करके जो लोग एक जगह पर बैठ करके हाँ कि पता नहीं भजन कर रहे कि नहीं कर रहे, मैं तो कहता हूँ वो बड़े लोग स्वार्थी लोग हैं। वो स्वार्थी लोग हैं, वो अपना कल्याण करते हैं। लेकिन जो जब जो व्यक्ति जा करके सर्वत्र भगवान की हरि कीर्तन को प्रचार करते हैं, गांव गांव में घर घर में जा जा कर ये हरि कीर्तन भजन करते हैं, मैं तो ऐसे साधुओं को भी जयकार देता हूँ जो कि हैं मेरे जैसे राक्षस जैसे व्यक्ति को जिन्होंने भगवान के भजन में लगा दिया। देखो इस बार कथा में ज्यादा भक्त लोग आ रहे हैं कि नहीं बताऊं? इस बार कथा में ज्यादा भक्त लोग आ रहे हैं। इतना दिन तक यहाँ कथा हुई, लोग आते थे, यहाँ पर भी लोग आते थे पहले, लेकिन इस बार जितने भक्त लोग आए, दूसरे बार इतना भक्त लोग आए नहीं है। मैंने पूछा इस बार इतना भक्त कैसे आए, इस बार ज्यादा कैसे भक्त लोग आए? बोले इसका कई कारण है। इस बार हमारे यहाँ पर जो जनार्दन प्रभु और प्रेमचंद प्रभु बलराम प्रभु ये सब प्रभु इस बार घर घर में जा जाकर हरि कीर्तन कर रहे, घर घर में जा करके हरिनाम कर रहे, कीर्तन कर रहे, लोगों को जोड़ रहे हैं। और यहाँ पर एक ग्रुप बनाए हाँ, जिसमें कोई ग्रुप के लोग जा जाकर हर जगह में जा करके कीर्तन सत्संग कर रहे हैं, इसलिए इस बार ज्यादा लोग भक्त लोग आए, तभी ज्यादा भक्त लोग आए। अगर ये लोग साधु होकर अगर एक जगह पर बैठ जाते आंख बंद करके, यहाँ पर बैठ जाते आंख बंद करके हैं, हम तो साधु कहीं भी, फिर इतना लोग भक्ति में जुटते जुटते नहीं। इसलिए कहते सबसे बड़े दयालु कौन है, कहते वो सबसे बड़े दयालु वही है। ये गोपियां कह रही हैं, क्या कह रही हैं? बोले तब कथा मृतम तप्त जीवनम कभी विरीतम कल्मषापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदाजन। गोपियां कहती हैं जगत गुरु सबसे बड़े दानी हैं जो भगवान की कथा को सहन करते हैं। देखो इसका लक्षण, देखो जैसे ये रसिया से आए, देखो यहाँ से जो विदेश लोग बैठे हैं ये रसिया से आए, देखो ये रसिया से आए, लेकिन रसिया से आकर के देखो ये भक्ति का प्रचार का कितना महत्व है। ये रसिया से आए लेकिन रसिया से होते हुए भी देखो इसमें तिलक लगाए, गले में इनकी कड़ी है, हैं माला जप कर रहे हैं भैया, लेकिन ये बड़ौत में रहते हुए भी, तो बड़ौत में आप लोग तो बड़े भाग्यवान हो, बड़ौत में रहते हुए लोग कभी हैं तिलक कट्टी माला नहीं पहने, लेकिन ये विदेश में होते हुए देखो हैं तिलक कट्टी माला और इतना सवेरे आकर कथा सुन रहे हैं, मंगला आरती में आ रहे हैं। ये विदेश से होकर के भी मंगला आरती में आ रहे, कैसे कैसे आए?
संत लोगों ने प्रचार किया विदेश में जाकर के, संत लोगों ने प्रचार किया तभी तो इन लोगों ने कटी वाला तिलक भाई ने, अगर भक्ति का प्रचार नहीं करते तो फिर ये लोग इतना दूर से आते, विदेश से आते नहीं आते। इसलिए कहते हैं जगत में सबसे बड़ा दानी वे हैं जो भगवत कथा को दान करते हैं, जो एक जगह पर बैठ कर मौन होकर बैठे हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं सबके सब परार्थगामी, ये स्वार्थी है, वो अपना कल्याण सोच रहे हैं, लेकिन वे लोग धन्यवाद मैं उनको देना चाहता हूँ जो स्वयं भजन करते हैं और ये भक्ति को सर्वत्र प्रचार और प्रसार करते हैं। मैं तो उन लोगों के लिए जयकार देता हूँ, उन लोगों की जय जयकार हो। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं साधु का काम क्या है, साधु का काम ये है स्वयं भगवान की भक्ति करे और दूसरों को भी भगवान की भक्ति में, दूसरों को भी भगवान के भजन में लगाए, हाँ दूसरे का भी कल्याण सोचे। इसलिए आप लोगों भी यही काम करना, क्या करना, खुद भी भजन करो और दूसरों को भगवान की भजन में लगा। भगवान गीता में यही कहते हैं, मैं सबसे ज्यादा किसको पर खुश रहता हूँ, भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति प्रचार करते हैं ना, मैं उनको सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। क्योंकि जगत का कितने जीव सब मेरे बच्चे, हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन हम भगवान को भूल गए, भूल करके माया की सेवा कर रहे हैं, हैं? और दुख कष्ट भोग कर रहे हैं। भगवान कहते हैं सब बच्चे हैं, अगर जो भूले भटक तो हुए बच्चे को अगर ला कर कोई इसको पिताजी को पास में दे देना, तो पिताजी सबसे ज्यादा खुश होते हैं, मेरा बेटा दुख कष्ट पा रहा था, मेरे भूले भटक तो हुए मेरे बच्चों को उसने वापस ला करके मेरे पास में ले आए। इसलिए भगवान कहते उसको ऊपर में सबसे ज्यादा प्रसन्न में उसको ऊपर होता, ठीक है ना। इसलिए कहते साधु को रहे बस स्वयं जो भजन करे और दूसरों को जो भगवान के भजन में लगाए। सेवा प्रकृति जागवे साधु भवन जब साधु सब करता। इसलिए कहते साधु बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, साधुओं को संग करना पड़ेगा। कितना संत के संग लागे तभी अच्छी बनेगी, जब साधु संग करेंगे तभी साधु बन सकते हैं। प्रणत वा शरणागत हरि साधु संग कर ले समस्त असुविधा निश्चय ही कट जावे। जब हम शरणागत हो करके भगवान की भक्ति करेंगे, जीवन में जितने दुख कष्ट है सारे दुख कष्ट हमारी दूर हो जाएगी जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। निजर आश्रित वा संगी के निर्भय निश्चित और सुखी कराए साधु का। बोले साधु का काम किया है, कहते साधु का काम किया और साधु संग करने से क्या होता है, बोले जीवन में परम शांति, निर्भय निश्चित और जीवन में सुख शांति तभी मिलेगा जब हम जीवन में साधु संग करेंगे। साधु संग दृष्टि सबसे बड़ी दया क्या है, जीव को प्रति सबसे बड़ी दया है। कोई कहते ना अरे गौड़ी पति क्या करता है, किसको कपड़ा नहीं देता है, किसको दवा नहीं देता है, कोई हॉस्पिटल और कुछ नहीं, अति भर हरे कृष्णा 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 हरे हरे कहते लोग को तो कोई हॉस्पिटल दवा वा कुछ नहीं, दिन भर हरि बोल हरे कृष्ण हर कुछ है। तो कहते भैया यही असली जीव की दया है, जीव का प्रति असली दया यही है। इसलिए कपड़ा देना स्कूल कॉलेज करना ये दया है, लेकिन ये दया पूर्ण दया नहीं, ये शरीर का प्रति दया। एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे कि पिंजरा में तोता रहता है, अगर तुम दिन भर पिंजरा को पेंटिंग करते रहोगे, अगर तोते को अगर खाना नहीं दोगे तो क्या होगा, तोता मर जाएगा, हैं? इसलिए उसी तरह हमारे अंदर में जो जीवात्मा है उसका असली भजन किया है भगवान का नाम, भगवान की कीर्तन,
भगवान की भक्ति ही इसकी असली भजन है। अगर वो भजन नहीं तो ना दिन के सर्दी को खिलाओ, सर्दी को पहनाओ, इसको जरूरत है, लेकिन जो असली जो जरूरत है इसको हृदय में जो परमात्मा रूप में जो बैठे उनकी सेवा ही जीव का सबसे बड़ा दया प्रभुपाद कहते हैं। इसलिए कहते साधु सब का मतलब होता है बैठक को चार्ज कर, बैठक जैसे चार्ज नहीं करोगे तो फिर जलेगी नहीं। इस तरह जो साथ जैसे आप लोग यहाँ पर आते हैं, तिलक लगाए हो, गला में कैंची हो, माला जब करते हो, क्यों करते हो? चूंकि साधु सत्संग ये विदेश से होकर के देखो घर में देखो माला कंठी भजन कर रहे, क्यों? ये साधु सब कर रहे हैं तभी इनके अंदर में भक्ति की भावना चल रहा है। लेकिन जो साधु सब नहीं कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग माला लिए हैं, लेकिन जब मैं कुछ दिन बाद में आकर सब जब देखता हूँ मेरे माला करते हो, बोले कभी कभी करता हूँ, कभी कभी आकर देखता हूँ गले से कभी मेरी कंठी कहाँ गई, बोले कंठी टूट गई, कैठी टूट गई, कैठी मेरे पहले नहीं बन तो बोले टूट गया कैठी। ऐसी स्थिति क्यों है? क्योंकि साधु संग नहीं करते, मंदिर में आते नहीं, साधु संग नहीं करते, इसीलिए इनका जैसे कि गाबला में जैसे पौधा लगा है, अगर पानी नहीं दोगे तो कब तक वो पौधा कब तक जिंदा रहेगा? वो मुरझा जाएगी। लेकिन जो हर समय मंदिर में आते जाते जो जितना साधु संग कर रहे हैं ना, उनकी जो भक्ति उतना ही हरी भरी, उनकी भक्ति उतना ही फ्रेश रहती है। इसलिए साधु संग से क्या होता है, बैटरी जो ना चार्ज हो जाती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। पहले घड़ी होता था ना, घड़ी होता था उसमें चार्ज देते थे, फिर 24 घंटा तक चार्ज करते थे, फिर दूसरे दिन क्या करते थे, फिर उसमें चार्ज देते थे। ये साधु संग मतलब होता है ये बैटरी को चार्ज हो जाता है। इसलिए साधु संग से ही जीव का परम कल्याण है, साधु संग छोड़ कर जीव का कोई कल्याण नहीं है। बच्चा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 Yeah.